दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आज से कुछ अरसा पहले तक लोग 2 दिनों को बड़ी अहमियत देते थे और इन दिनों में कसरत के साथ सदका और खैरात करते थे, खूब तौबा और इस्तगफार करते थे और खूब नेक अमाल करते थे। लेकिन फिर एक फिजा चली, एक तहरीक चली, जिसमें यह तासुर दिया गया कि पुराने लोग जो कुछ भी करते थे वो सब गलत था, तो लोगों ने इन 2 दिनों को अहमियत देना भी छोड़ दी। हालांकि दोस्तों, ये 2 दिन, पीर और जुमेरात का दिन, इस्लाम में बहुत अहम थे, हमें इन्हें अहमियत देना चाहिए थी, लेकिन उस तहरीक की वजह से हम इन दिनों को अहमियत नहीं दे सके। देखिए, इन 2 दिनों की अहमियत हदीस मुबारका में बयान की गई है। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पीर और हर जुम्मे के दिन तुम्हारे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। दोस्तों, अगर हर पीर को और हर जुमेरात को हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो क्या हमें इन दिनों में कसरत के साथ सदका और खैरात नहीं करना चाहिए? क्या इन दिनों में तौबा और इस्तगफार करना कोई गलत बात है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें इन दोनों दिनों में खूब सदका और खैरात करना चाहिए, तौबा और इस्तगफार भी करना चाहिए और खूब नेक अमाल करने चाहिए। बल्कि अगर मुमकिन हो तो इन दिनों में नफली रोजा भी रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।